और बार टीवी रेटिंग एजेंसी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल यानी बार के पूर्व सीईओ पार्थो दास गुप्ता की जिनकी मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। मुंबई की क्राइम ब्रांच आज पार्थो दास गुप्ता को कई संस्थानों में पूछताछ के लिए लेकर गई। पार्थो दास गुप्ता को बार ऑफिस लेकर भी पुलिस पहुंचेगी, वहां पर भी पूछताछ होगी। और कोर्ट में 30 दिसंबर तक पार्थो दास गुप्ता को कोर्ट ने हिरासत में भी भेज दिया है। पार्थो दास गुप्ता को पुणे से गिरफ्तार किया गया था। पार्थो दास गुप्ता पर टीवी चैनल की रेटिंग के साथ यानी कि टीआरपी को लेकर छेड़छाड़ का आरोप है। आरोपी पार्थो दास गुप्ता कुछ टीवी चैनल्स के जरिए टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स यानी कि टीआरपी में कथित धांधली से जुड़े हुए मामले में गिरफ्तार होने वाले 15वें शख्स हैं। इससे पहले भी कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। और इसी मसले पर हमारे संवाददाता मुंबई से अभिषेक शर्मा, उनकी ग्राउंड रिपोर्ट देख लेते हैं। टीआरपी घोटाले में मुंबई पुलिस लगातार अपनी जांच तेज करती जा रही है और एक दो नहीं अब तक 15 लोगों को मुंबई पुलिस ने टीआरपी घोटाले मामले में गिरफ्तार कर लिया है। जो सबसे नई गिरफ्तारी है वह बार के पूर्व सीईओ पार्थ दास गुप्ता की गिरफ्तारी हुई है, जिसके पास से कई सारी अहम जानकारियां लगातार मुंबई पुलिस को हाथ लग रही है। पिछले 6 सालों में यानी 2013 से लेकर 2019 तक जिस 6 सालों में पार्थ दास गुप्ता बार के सीईओ रहे, उस दौरान उन्होंने भारी घोटाला किया है टीआरपी घोटाले को लेकर, और यही कारण है कि उन्हें गिरफ्तार करने के पीछे लगातार जानकारियां पुलिस को हाथ लग रही हैं। और उसमें साफ समझ में आ गया है कि एक निजी चैनल की तरफ से उन्हें भारी भरकम राशि दी गई थी, यानी जिसे हम कहते हैं कि भ्रष्टाचार किया गया था, और कई उस पैसों को लेकर उन्होंने कई सारे गहने खरीदे थे, कई घड़ियां खरीदी थी, और इसकी जानकारी लगातार पुलिस को लग चुकी है। और यही कारण है कि दिन भर आज पार्थ दास गुप्ता को लेकर तमाम बैंक जाया गया, बार ऑफिस जाया गया जहां पर वो बैठा करते थे, जहां से टीआरपी घोटाला वह किया करते थे। और इन तमाम चीजों को लेकर यह साफ समझ में आ रहा है कि टीआरपी घोटाले में अब आने वाले दिनों में और बड़ी गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं, या फिर बड़े चैनल के कुछ ओनर्स को नोटिस भी जा सकती है समझ अदालत तक कि आके वो पूछताछ करें। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि जब टीआरपी घोटाले के मामले में तमाम जो जानकारी कोर्ट को दी गई और कोर्ट को बताया गया कि किस तरीके से इस पूरे जो घोटाला हुआ था टीआरपी वाला, कैसे इसमें कौन कौन लिप्त था और किस तरीके से इन लोगों ने पैसे देकर भ्रष्टाचार करके टीआरपी घोटाला किया करते थे, कैसे एक अलग चैनल का जो टीआरपी नंबर 1 हुआ करता था उसको किस तरीके से वो नंबर 2 करने का प्रयास किया गया, किस तरीके से इसका साफ संकेत जाता है यानी साफ जानकारी जो पुलिस को मिली है वह धीरे धीरे समझ में आ रहा है पुलिस को कि पूरी तरीके से इसके पीछे पार्थ दास गुप्ता जो कि बार के सीईओ रहे हैं, जो कि बार मतलब वह है कि जो कि टीआरपी को लेकर वह एक टीआरपी तय करती सभी चैनलों का, चाहे एंटरटेनमेंट चैनल हो, चाहे न्यूज चैनल हो, चाहे अन्य चैनल हो, उन जो एजेंसी है और उसी के तहत जो हंसा रिसर्च एक एजेंसी एक कंपनी है उसके जो तमाम ऐसे कुछ लोग हैं उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। यानी आने वाले दिनों में तमाम बड़े चैनलों के कुछ जो कथित रूप से लगातार कहा जा रहा है कि उनका नाम सामने आ रहा है, उनका नाम हालांकि इस पूरे जानकारी में कोर्ट को पुलिस ने दे भी दिया है, तो आने वाले समय यह दिखा रहा है साफ तौर पर कि पूरी तरीके से उन लोगों पर सिकंजा कस सकता है, क्योंकि कई सारी जानकारियां पैसों के हेरा फेरी को लेकर सामने आ चुकी है, जिसके वजह से भारी भ्रष्टाचार हुआ है और यही वजह है कि टीआरपी घोटाले में बड़े लोगों का नाम सामने आया है। लेकिन आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। कैमरामैन विष्णु के साथ अभिषेक शर्मा, इंडिया न्यूज, मुंबई। टीआरपी यानी कि टेलीविजन रेटिंग पॉइंट में बड़ी धांधली की गई है। 15वीं गिरफ्तारी पार्थो दास गुप्ता की, और भी कई गिरफ्तारियां होंगी। लेकिन हाँ, कई हैरान करने वाले तथ्य भी इसमें सामने आ रहे हैं। अभी से नहीं बल्कि लंबे वक्त से टीआरपी के साथ बड़ी छेड़छाड़ हुई है।